सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो अभी हूं मैं मंडोला बिहार गांव के अंदर। देख सकते हो यहां से ये निकलते हुए आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि ये सारे पियर कैप तो बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। इसमें बीच बीच में देख सकते हो अभी पिलर ये बनाया जाना है। ये दो तीन पिलर अभी इसके बीच में बनेंगे और यहाँ पर हम लेफ्ट से राइट साइड में आ चुके हैं। और आगे आप लोगों को खेकड़ा गांव के अंदर आपको बता दूं दोस्तों, गर्डर लॉन्चिंग का भी काम स्टार्ट हो चुका है इस खेकड़ा गांव में। तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये गाटर, ये देखो ट्रक द्वारा लाया गया है और यहाँ पर ये गटर लॉन्चिंग भी की जा रही है। देख सकते हो ये क्रेन मशीन लगी हुई है। इधर की साइड में देखो ये गर्डर लॉन्चिंग होना स्टार्ट हो चुका है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, ये गर्डर लॉन्चिंग की जा रही है। इसमें देख सकते हो ये पियर कैप कुछ और साइड अलग टाइप के बनाए जा रहे हैं जिनमें बिंग्स ऐड किया जा रहे हैं। इन पियर कैप के अंदर दोनों साइडों का बिंग्स ऐड किया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों। देखो इसके ये सेटरिंग लगी हुई है दोनों साइडों में, लेफ्ट में भी और राइट में भी। देखो फिर इसमें ये बिंग्स को ऐड किया जाता है। और आप लोगों के पास कमेंट भी आ रहे हैं, वो लोग बता रहे थे कि किस तरीके से ये बिंग्स को ऐड करते हैं पियर कैप में, वो भी मैं आप लोगों को अगले वीडियोस में दिखाने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन्जॉय कीजिए, क्योंकि इसमें देख सकते हो ये पियर कैप बनाने का ही काम चल रहा है। इसमें पियर कैप के जो बिंग्स हैं उनको ऐड करने का काम किया जा रहा है तेज़ी के साथ में, और इसमें खेकड़ा गाँव के अंदर दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये बिंग्स को रख दिया जाता है। इन ये जो लोहे के ये पिलर बनाए गए हैं, ये देख सकते हो जो सेटिंग लगाई गई है इनकी, इन पे ही ये रखा जाता, फिर इसमें सरिये डाले जाते हैं, आर पार निकाल दिए जाते हैं, फिर इसके बाद में इनको चिपका दिया जाता है बिंग्स को दोस्तों पियर कैप में। तो नज़ारे देख सकते हो इसी चीज़ का, यहाँ पर ये स्लो डाउन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो इसमें दो प्रकार से ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं, एक तो सरियाओं का जाल बना के ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं लेफ्ट से और राइट तक, और दूसरे में इसमें पियर कैप बनाने के बाद में फिर इसमें बिंग्स को भी ऐड किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो छेद चमक रहा है, देखो ये दो पार्ट में है, एक उधर का पार्ट है एक इधर का पार्ट, अब इसमें जोड़ दिया जाएगा। इसमें कुछ मसाला होता है इनके पास, उससे जोड़ा जाता है। तो यही नज़ारा है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता है, इंफॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चल रहा है हमारे NCR में, वहाँ का आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करता रहता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, सारे पियर कैप बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। देख सकते हो इन पर ये बिंग्स ऐड करने का वर्क तेज़ी के साथ में चल रहा है। तो पहले तो ये पिलर बनाते हैं लोहे का, मतलब सेटरिंग लगाते हैं, पिलर बनाते हैं, फिर उसके बाद में इस पर क्रेन मशीन द्वारा इसको बिंग्स को ऐड किया जाता है इन पियर कैप में। तो सारे में ही पियर कैप बन चुके हैं, आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि और दूसरे तरीके से कैसे पियर कैप बनाया जाता है, वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको बता दूं, ये है खेकड़ा विलेज दोस्तों, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में आता है और ये बागपत बॉर्डर पर आता है दोस्तों, खेकड़ा गांव। तो वहीं से EPE एक्सप्रेस वे निकल के भी जा रहा है, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ का जो EPE का ईस्टर्न पेरिफेरल का जो इस पर क्या नाम है एलिवेटेड जो बनाया जा रहा है क्या रैंप, उस पर भी देखेंगे चल के कि कितना कुछ वर्क वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क चल रहा है। तो वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को देहरादून तक का व्यू दिखाने वाला है, वीडियोस आते रहेंगे पर डे। तो आप लोग, अभी तो ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बाइक पे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो इस वजह से उधर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है इस टाइम पे। तो इसलिए ब्राउन फील्ड ही मैं अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्राउन फील्ड में ही सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है, ग्रीन फील्ड में इतना टाइम नहीं लगता है दोस्तों।
वहाँ तो बस मिट्टी की लेबलिंग कर दी जाती है और उसको प्लान करते हुए रोड रोलर चलाया जाता है और उस पर बस रोड़ी बजरी की लेयर डाल के और ब्लैक टॉप कर दिया जाता है। तो उस पर बहुत आसान है काम करना और जल्दी भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती है। तो यहाँ तो ग्राउंड फील्ड में तो आपको पता ही है, मार्केट है, ट्रैफिक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। ये हमारे दिल्ली के सराय काले खान, दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल से स्टार्ट होगा दोस्तों और ये जाएगा देहरादून उत्तराखंड में दोस्तों। अब इसमें जो जो इसके आपको बता दूं, जो शहर पड़ेंगे वो पड़ेंगे, पहला तो दिल्ली आता है, दूसरा बागपत, तीसरा बड़ौत, बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर और लास्ट में आ जाता है देहरादून दोस्तों। तो इसमें ये पांच उनसे गुजरता है, पांच जगहों से ये होकर गुजरेगा दोस्तों। देख सकते हो सारे में पियर कैप बन के कम्प्लीट हो चुके हैं इस खेकड़ा गांव के अंदर। तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और इस साइड में देख सकते हो दोस्तों अभी पियर कैप नहीं बनाए गए हैं। पियर कैप इसलिए नहीं बनाए गए, यहाँ दूसरी कंपनी है और इसमें आपको बता दूं कि सरियाओं का जाल बना के और फिर पियर कैप बनाया जाएगा दोस्तों। तो इस वजह से यहाँ पर ये पियर कैप का काम नहीं हुआ है दोस्तों। और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि इसका रैंप किस तरीके से बनाया जा रहा है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है इस रैंप पे, वो सब कुछ आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हो इसमें सरियाओं का जाल बना के और फिर इसमें पियर कैप का काम किया जा रहा है, वो आप लोग तस्वीरें देख सकते हो, कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से सरियाओं का जाल बना के और फिर इस पर यह पियर कैप बनाया जा रहा है, लेफ्ट से राइट तक पूरा ही ये देखो ये सरिये का जाल बना दिया इन्होंने पियर कैप का। देख सकते हो किस तरीके से ये बनाया, तो इसी वजह से ये पियर कैप नहीं बनाए गए उस साइड में। जो जो बिंग्स को ऐड करेंगे उधर तो सारे में पियर कैप बन चुके हैं और जो दूसरी टाइप के पियर कैप बनाए जा रहे हैं वो इस तरीके से बनाए जा रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते हो। और ये हम खेकड़ा विलेज को क्रॉस कर चुके हैं, तो आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ मैं ईस्टर्न पेरिफेरल
जो उसका रैंप बनाने का काम है वो आप लोगों को देखने के लिए। देखो ये कंक्रीट भरा जा रहा है इसमें पियर कैप में। पहले तो इसका जाल बनाया जाता है सरियाओं का पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक, और जाल बना कर फिर इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। फिर इसमें आपको बता दूँ दोस्तों, ये फिर इसमें पानी डालते रहते हैं। इसमें देख सकते हो ये टीम लगी हुई है जो कि वर्क कर रही है तेज़ी के साथ में, तो यही वर्क चल रहा है। तो आप लोगों ने देखा और वीडियो कैसा लगा आप सभी को दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करके बता दिया करो नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा पीछे कि खेकड़ा गाँव में किस तरीके से ये गर्डर लॉन्चिंग का भी काम स्टार्ट हो चुका है, और जब मैं अगली बार आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा तो आधे में पियर कैप का काम हो चुका होगा और फ्लोरिंग का भी काम किया जा रहा होगा। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो देख सकते हो ये सारा ये गाँव निकलता हुआ खेकड़ा गाँव, और दूसरा गाँव भी है तो उस गांव का नहीं पता है क्या गांव का नाम है दोस्तों, लेकिन एक प्रेस वे और भी इससे कनेक्ट किया जाएगा, तो मैं उसकी भी आप लोगों को अपडेट देने वाला हूं जो अगले वीडियो आएंगे। अब ये देखो फरवरी में ही इसके अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे जो अब आएंगे। ये लास्ट वीडियो था दोस्तों जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल पर जाके ख़त्म हो जाएगा, और ईस्टर्न पेरिफेरल भी आप लोगों को दिखाने की और बताने की कोशिश करूंगा। और आपको बता दूं जो मबी कला विलेज है वहां से ये उसके पीछे से एक्सप्रेस वे निकलेगा, वो किस साइड से निकलेगा वो आप लोगों को आगे वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा, और वो आप लोगों को वीडियोस देखने मिलेंगे मार्च में दोस्तों। तो आप लोग मार्च में देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप लोगों को देहरादून तक का वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे पर डे दोस्तों। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं हर जगह की अपडेट लाता रहूं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तभी मैं ऐसा कर सकता हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोग सपोर्ट बहुत कम करते हो, बहुत कम वीडियोस को देखते हो। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखो, और देख के एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता आप सभी का, क्योंकि मेरा हौसला ही बढ़ता है, और हौसला बढ़ता है तो आप लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, वो भी हर जगह के। और आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने अभी सरायकाले खासी यानी कि DND से लेके और आपका पलवल तक का तो मैंने अभी तक आप लोगों को कोई वीडियो नहीं दिखाया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को उधर के भी वीडियोस देखने के लिए मिलें। और देख सकते हो दोस्तों कि ये देखियो रैंप बनाने का काम है वो पूरा ही कंप्लीट सा ही हो चुका है, देख सकते हो दोनों साइड का ये रैंप बन चुका है, इसमें मिट्टी भी डाल दी जा चुकी है, और इसका जो पैरापिट वॉल है वो भी बना दिए जा चुके हैं दोनों साइड के। अब इसमें बस मिट्टी डाली जा रही है और मिट्टी की लेबलिंग की जा रही है, और मिट्टी की लेबलिंग करने के बाद में दोस्तों इस पर जो रोरी बजरी की जो लेयर है वो भी डाली जा रही है, वो आप लोगों को अभी आगे देखने के लिए मिलेगा, और आगे देखने के लिए मिलेगा तब आप लोग बताना दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस एंजॉय करो केपी संत के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर ये JCB चल रहा है, देखिए मिट्टी हटाई जा रही है ये, और इसको हटाने के बाद में फिर मिट्टी को इसे लेबल किया जाएगा, और इसमें ये देख सकते हो ये जो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये रैंप बन चुका है, ये मतलब रैंप ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया, बस इसमें अब ये रोरी बजरी की लेयर डाली जा रही है, देख सकते हो तस्वीरें कुछ ये सीन है यहाँ का, जो कि ये रोरी बजरी डाली जा रही है यहाँ पर, तो ये जल्दी ही मतलब रैंप बन के मतलब कंप्लीट सा ही हो चुका है। ये रोरी बजरी यहाँ पर डाली जा रही है, ये देख सकते हो ये लेयर बिछाई जा रही है, फिर इसके ऊपर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा दोस्तों। और आपको बता दूं कि आगे चमक रहा है वो देख सकते हो ईस्टर्न पेरिफेरल, वो वहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल ख़त्म हो जा वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर ये रैंप बन के तैयार हो चुका है जो कि गाड़ियाँ दौड़ेंगी इस पर, और यहाँ से ये एलिवेटेड सेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ से एलिवेटेड सेक्शन होता चला जाएगा। देख सकते हो ये रेरी बजरी की लेयर डाली जा रही है यहाँ पर इस जगह पर, अभी इस पर लोलर से इसको बिल्कुल वो कर दिया जाएगा सेट, अभी तो इस पर डाली जाएगी, देखो ये इस तरीके से यहाँ पर ये
पैराफिट वॉल लगाए गए हैं यहाँ पर, ये देखो अभी इनमें पानी डाला जा रहा है, मतलब कि मजबूत किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं ये है ईस्टर्न पेरिफेरल, और यहाँ पर ये रैंप जाके यहाँ पर ये उतर जाता है, और यहाँ से ये चढ़ जाता है, एलिवेटेड हो जाता है, और यहाँ से ये आपको बता दूँ कि ईस्टर्न पेरिफेरल के नीचे से ही रहेगा। ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो ईस्टर्न पेरिफेरल के नीचे से ही जाएगा दोस्तों, जहाँ वो सामने चमक रहा है आप लोगों को वहीं से ये नीचे को रहेगा, और यहाँ से ये एलिवेटेड होता चला जाएगा। यहाँ से ये रैंप है, यहाँ से एलिवेटेड हो जाएगा, और ये आपको बता दो पापी पुस्ता इधर इधर पापी पुस्ता तक ये जाएगा, जो कि एलिवेटेड रहेगा। 6 लेन एक्सप्रेस वे एक्सिट कंट्रोल्ड होने वाला। तो चलिए, कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो हमें नीचे कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तो आप लोग इन्जॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए बात यहीं पे एंड करते हैं, इस वीडियो को देख लो एक बार, ईस्टर्न पेरिफेरल को भी, ये देखो ये ईस्टर्न पेरिफेरल है पूरा, देख सकते हो, ये हमारे NCR का गोल चक्कर है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।